वेलकम बैक। मैं गरिमा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड में। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ट्वेल्थ किया हुआ है, इंटरमीडिएट कर चुके हैं और अभी तक जॉबलेस हैं, कोई जॉब नहीं है उनके पास और वेट कर रहे हैं किसी वैकेंसी का। तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। देखिए, बिहार सरकार द्वारा निकाली गई है केंद्रीय चयन परिषद CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने निकाली है वनपाल फॉरेस्टर की भर्ती, जिसपे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप पुरुष के उम्मीदवार हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको वीडियो देखना होगा, एंड तक फॉलो करनी होगी इंस्ट्रक्शंस जो भी मैं आपको बताऊंगी, उन्हें आप ऑनलाइन फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप समझ पाए कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो जानना जरूरी है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो कि इच्छुक हैं इस वैकेंसी पे अप्लाई करने के लिए। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा निकाली गई है वनपाल यानी कि फॉरेस्टर की, तो सबसे पहली चीज, मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं। तो जो टोटल सीट दी है इन्होंने, टोटल पोस्ट जो है वो है 236। देखिए, 236 वैकेंसी निकली है जिसपे कोई भी महिला या पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात है बेसिक की। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की, www.csbc.bih.nic.in, उस पर जाके आप बिल्कुल लॉग ऑन करके अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस तरीके से आवेदन करेंगे, क्या प्रोसेस है और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो उसी के बेस पे आज का ये वीडियो तैयार किया गया है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम वैकेंसी देखते हैं कि ठीक है, 236 वैकेंसी है तो इन्हें किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है अलग अलग वर्गों के लिए। तो जो अलग अलग वर्गों के अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल आप भी देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपके वर्ग के लिए कितने कितने नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की, सामान्य वर्ग की। तो इसके लिए जो पदों की कुल संख्या दी गई है बैकलॉग सहित वो है 91, और जो 35% पद रखे गए हैं क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए, तो उनकी अनुमान्य पदों की संख्या है 32। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उसके लिए कुल पदों की संख्या है बैकलॉग सहित 23, और जो महिलाओं के आरक्षण के लिए रखे गए हैं अनुमान्य पद उनकी संख्या है 6। अनुसूचित जाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो पदों की संख्या है वो 37 है, और 35% जो क्षैतिज आरक्षण के लिए पद रखे गए हैं वो है 13। अनुसूचित जनजाति के लिए जो संख्या है 3 है बैकलॉग सहित, और जो 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पद रखे गए हैं वो है 1। अत्यंत पिछड़े वर्ग की अगर हम बात करें तो 49 पद हैं, 49, और जो 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो अनुमान्य पद रखे गए हैं वो है 14। इसी के अलावा अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए बैकलॉग पदों की जो संख्या है वो 1 है अनुसूचित जनजाति की, और अत्यंत पिछड़े वर्ग की 8 है। आगे बात करते हैं पिछड़े वर्ग के लिए, तो जो कुल पदों की संख्या है बैकलॉग सहित वो 24 है, और जो आरक्षित पद है रखे गए हैं महिलाओं के लिए उनकी संख्या 8 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो अलग से पद रखे गए हैं वो है 9, और बैकलॉग के लिए जो पद है वो है यहाँ पे 2। तो कुल जो योग बनता है इन सभी पदों को मिला के वो है 236। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है यानी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है, उनके पोता पोती नाती नातिन के लिए जो आरक्षित कुल पद रखे गए हैं वो है 5। तो आपको किस तरीके से ये 236 पदों को कैटेगराइज किया गया है ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अब हम ये देखते हैं कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पे, जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएंगी उसके लिए जो कट ऑफ तिथि दी गई है, या फिर जो आपकी एज है उसके लिए जो कट ऑफ तिथि दी गई है वो दी गई है 1 जनवरी 2020। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अब देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पात्रता होनी जरूरी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, बिल्कुल आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडिया से बिलोंग करने चाहिए।
दूसरा अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 12th होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी काउंसिल से, जिसमें आपके पास साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है। फ्रेंड्स अगर आयु की बात करें तो आपका मैट्रिक या उसके समकक्ष जो भी प्रमाण पत्र होगा उसमें जो अंकित आपकी आयु होगी वो अगर अनारक्षित वर्ग के लिए बात करें तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 होनी चाहिए। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बात करें तो भी यही आयु मान्य होगी, न्यूनतम 18 और अधिकतम 25। अगर हम पिछड़े वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए बात करें, पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए, तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 27, यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फ्रेंड्स। देखिए अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 30, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है। और जो ऐसे सरकारी सेवक है, एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए जो उनकी कट ऑफ तिथि है, अगर उन्होंने 3 वर्ष तक की अवधि पूरी कर ली है अपनी सेवा में, तो वो क्या करना चाहे, अगर वो भाग लेना चाहे तो भाग ले सकते हैं, तो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। आयु की जो गणना होगी वो आपकी मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष किसी भी परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो आपकी जन्मतिथि मेंशन होगी उसके आधार पे होगी। तो ये तो बात थी आपकी आयु की, आपकी शैक्षणिक योग्यता की। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड की। तो देखिए अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई दी गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वो है 160 सेंटीमीटर और बाकी सभी वर्गों के लिए दी गई है 165 सेंटीमीटर। सीने की जो माप है बिना फुलाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर है और बाकी सभी वर्गों के लिए 81 सेंटीमीटर है। सीने का जो न्यूनतम फुलाव है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और बाकी सभी वर्गों के लिए भी 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य सभी वर्गों के लिए दोनों के लिए ही 4 घंटे में 25 किलोमीटर होना जरूरी है। तो ये तो बात हुई मेल कैंडिडेट्स की। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, यानी कि महिला अभ्यर्थियों की। तो इनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर है, बाकी सभी वर्गों के लिए 160 सेंटीमीटर है। और जो पैदल चलने की क्षमता है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है दोनों ही वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी और बाकी सभी वर्गों के लिए भी। तो ये तो बात हुई फिजिकल मेजरमेंट की। अब हम बात करते हैं नियुक्ति चयन की प्रक्रिया। तो देखिए नियुक्ति और चयन की जो प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होगा। तो रिटन एग्जाम जो है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो भी रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 400 मार्क्स का होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, 2 घंटे के लिए मतलब एग्जाम जो होगा आपका वो 2 घंटे का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके रिटन एग्जाम की। अब बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट कवर होंगे। तो देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे, यानी कि जो आपकी हिंदी लैंग्वेज वाला पोर्शन होगा एग्जाम में सिर्फ वो आपका किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा। और उसके अलावा जो आपका पूरा पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। सामान्य ज्ञान के जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके मैट्रिकुलेशन 10+2+3 प्रणाली के 10वीं कक्षा के या फिर उसके समकक्ष स्तर के होंगे। और इसके अलावा जो आपका साइंस का लेवल होगा वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित के जो प्रश्न होंगे वो आपके 10th लेवल के होंगे। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की। तो देखिए जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका 2 घंटे का, जिसमें 4 भाग होंगे। पहले भाग में आपके 15 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, दूसरे भाग में 15 प्रश्न होंगे आपके तार्किक कौशल के, तीसरे भाग में आपके 50 प्रश्न होंगे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के और गणित के। जीव विज्ञान और गणित में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, क्योंकि दोनों विषय मतलब एक चयनित विषय का कोड आपको वहां पे दिया जाएगा, OMR में आपको फिल करना होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसे आप फिल करके उसका एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आपका भाग 4 होगा वो हिंदी का होगा, जिसमें 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे तथा 10 प्रश्न आपके इंग्लिश लैंग्वेज के ज्ञान से संबंधित होंगे। भाग 4 का जो उद्देश्य है वो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद को पढ़ना समझने की योग्यता की परीक्षा है। तो इसमें जो जो चीज़ें आपके दोनों हिंदी इंग्लिश में जो कवर होंगी वो होंगी दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार,
हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर। तो ये चार जो टॉपिक होंगे ये कवर होंगे आपके किस में, हिंदी और इंग्लिश का, जो लास्ट आपका फोर्थ पार्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से, जिसमें कि 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के आएंगे। ये तो शॉर्ट में सिलेबस की बात थी। अगर आप डिटेल्ड सिलेबस देखना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसी के साथ ये बात हो गई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, रिटर्न एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या पैटर्न होगा। अब देखते हैं कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की या फिर कह सकते हैं अनारक्षित वर्ग की, 40% मार्क्स लाना जरूरी है। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स लाना जरूरी है। पिछड़े वर्ग एनेक्स्टर के लिए यानी कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% मार्क्स लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 32% अंक लाना जरूरी है। जो भी कैंडिडेट्स इतने जितने भी न्यूनतम मार्क्स यहाँ पे बताए हैं कट ऑफ मार्क्स, अगर उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं उस कैटेगरी से तो उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें शारीरिक परीक्षण या शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो रिटर्न एग्जाम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, देखिए जो लास्ट आपकी मेरिट होगी वो किस पे बेस होगी, वो आपके रिटर्न एग्जाम पे बेस होगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं ऑनलाइन किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हैं कि क्या प्रोसीजर है एग्जाम का, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, किस लेवल का सिलेबस कवर होगा वहाँ पे। अब ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आज से ही स्टार्ट हुए हैं 27 जुलाई 2020 से। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन आप विजिट कर सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की, www.csbc.bih.nic.in पे जाके। ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो दो पार्ट में होगा, पहले पार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दूसरे में आपकी जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी, जो भी आपकी बेसिक जानकारी होगी वो वहाँ पे आपको फिल करनी होगी। जो ऑनलाइन आवेदन की का शुल्क है, जो मूल्य आपको पे करना होगा, देखिए अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 450 रुपये, अगर या फिर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 112 रुपये देने होंगे आवेदन पत्र का जो आपका शुल्क होगा उसके तौर पे। और ये जो पेमेंट होगा आपको ऑनलाइन करना होगा, जो कि नेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हुई ऑनलाइन आवेदन की। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन जैसे मैंने आपको बताया था दो स्टेप्स में होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसी के बाद आप आगे के स्टेप वहाँ पे फॉलो करते जाएंगे ऑनलाइन, तो आपको सेकंड पार्ट वहाँ पे शो करेगा जिसमें आपको जितनी भी बेसिक डिटेल होंगी, जैसे कि आपकी पिता का नाम अगर मैरिड हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो पति का नाम, माता का नाम, एड्रेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स होंगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आवेदन तो इसके शुरू हो चुके हैं आज से, डिटेल मैं आपको सभी बता चुकी हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, वो सभी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, देखिए अच्छा मौका है वैकेंसी का, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो सभी क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल वेट मत कीजिएगा, 10 सितंबर लास्ट डेट है, 10 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई जॉब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।